पुण्य और पाप क्या, क्यों, कैसे? पाप और पुण्य परस्पर विपरीत चीजें हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। मानव जीवन नश्वर है और सामान्यतः कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्य और एक पाप। आमतौर पर अच्छे कर्मों का पुण्य कर्म कहा जाता है और बुरे कर्मों का पाप कर्म कहा जाता है। हालांकि गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी संपत्ति के लक्षणों का वर्णन किया है। अगर हम प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पुस्तक गीता के अनुसार बात करें तो दैवी संपत्ति या पुण्य के लक्षण जिससे प्रेरित आचरण को धर्म कहा जा सकता है और नकारात्मक कर्मों को भी गीता में वर्णित किया गया है जिसे पाप कर्म कहा जा सकता है। अभिमान, अहंकार, क्रोध, अत्याचार, अज्ञानता आदि पाप कर्म के प्रभाव के लक्षण है। सीधे शब्दों में कहे तो चोरी करना, बेवफाई करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, हिंसा करना, मांस मंदिरा खाना पीना, बेवफाई और बदतमीजी करना, ये सभी पाप कर्म है। सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि असुरी प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म करने से पाप लगते हैं और दैवी या ईश्वरीय प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि नेक कर्म करने से हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य, भोग पदार्थ, धन, स्त्री, पुत्र, आयु, विद्या आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन पाप कर्म करके हमें इन चीजों का नुकसान उठाना पड़ता है और बीमारी, दुर्घटना, गरीबी का दर्द सहन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस जन्म में हमें जो भी सुख या दुख मिल रहा है वह न केवल इस जन्म के आचरण का परिणाम है बल्कि यह पूर्व जन्मों का भी परिणाम है। यही कारण है कि इस जन्म में बड़े से बड़े पुण्यात्माओं को भी बड़े से बड़े दुखों को सहना पड़ता है और सबसे बड़े पापी होने के बाद भी महान सुखों का आनंद लेने वाले कई लोग हमें दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें आश्चर्य होता है कि इसमें भगवान का न्याय कहाँ है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सभी सुख या दुख हमारे किसी न किसी जन्म में किए गए अपने ही कर्मों के परिणाम है जो हमें भुगतने पड़ते हैं। हमने पुण्य और पाप को कुछ हद तक समझ लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाप को पुण्य में बदला जा सकता है, या यह पूछे कि क्या पुण्य से पाप काटा जा सकता है। यह वास्तव में जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए बहुत सोच विचार जरूरी है, लेकिन सामान्य तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं होना चाहिए और यह कहना होगा कि पाप को पुण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस या किसी अन्य जन्म में हमने जो अनैतिक कर्म किए हैं उन्हें पुण्य में बदलने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, यह निश्चित है कि हमने जो पाप किए हैं कुछ अच्छे कर्म करके उस पाप के दंड से कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन यह प्रायश्चित भी कुछ हद तक ही संभव है। हालांकि यदि आपने कोई पाप किया है तो आपको उसका दंड कभी न कभी किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ थोड़ा या बहुत भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, भले ही यह हो सकता है कि उस पाप के एवज में आपने कोई बड़ा पुण्य किया हो तो उस पाप के दंड विधान में कुछ कमी या रियायत हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे पाप को पुण्य में बदलने का सपना देखता है और उस पाप के दंड से पूरी तरह से बचने की उम्मीद करता है तो यह शायद संभव नहीं है। सच तो यह है कि यदि कोई कार्य असंख्य लोगों के उपकार के लिए किया जा रहा है तो वह एक पुण्य है, और जब वही कार्य कई लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें हानि पहुँचाता है तो वह एक अनैतिक कार्य या पाप कर्म बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार्य को देखने में तो वह अनैतिक कार्य लगता है लेकिन वास्तव में यह पुण्य होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कार्य देखने में एक नेक कार्य लगता है लेकिन वह अनैतिक कार्य बन जाता है। उदाहरण के लिए दान देना एक पवित्र कार्य है, लेकिन केवल तभी जब यह किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है और जो इसका अच्छा उपयोग करता है। लेकिन यदि वही दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो शराब पीता है तो यह दान कर्म पाप बन जाता है, भले ही वह गरीबों को दिया गया यह दान हो फिर भी एक अनैतिक कार्य बन जाता है। यदि वह गरीब आपके दिए दान के पैसे से शराब पीकर लोगों को गाली देता है या नुकसान पहुंचाते हैं तो आपका यह दान भी पाप कर्म बन जाता है जिसके दंड के भागीदार आप भी होते हैं। इसके अलावा जब किसी स्त्री के साथ सहवास करने की बात आती है तो बच्चा पैदा करने के उद्देश्य से केवल अपनी विवाहित पत्नी के साथ सहवास करना एक पुण्य कार्य है, लेकिन एक पढ़ाई महिला के साथ सहवास करना पूरी तरह से अनैतिक कार्य है। इसलिए पुण्य और पाप का वर्णन वास्तव में अति कठिन है। इसमें उद्देश्य, फल और परिणाम पर भी विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
पाप को पुण्य से नहीं बदला जा सकता है, लेकिन पुण्य से पाप को स्पष्ट रूप से कम किया जा सकता है। साथ ही पाप करने से पुण्य भी कम हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिनमें सहिष्णुता, क्षमा, संयम, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, शौच का अर्थ है इंद्रिय शुद्धता, आंतरिक नियंत्रण और इंद्रिय नियंत्रण, अच्छी बुद्धि, साक्षरता, सत्यता आदि। इन सभी से प्रेरित कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत करने से पाप का फल मिलता है। गंगा में स्नान करना, पूजा करना या दान करना आदि अच्छे उद्देश्य और स्वच्छ आचरण के साथ करते हुए यदि कोई व्यक्ति लगातार नेक कर्मों को करता है तो उसके पाप और उसका दंड कुछ हद तक कम हो जाते हैं। परंतु पाप को पुण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन पुण्य करके पाप को काफी हद तक कम किया जा सकता है और पाप के दंड से बचा जा सकता है। इसलिए हम सभी को नेक कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप का हिसाब अलग अलग है और हमें दोनों का फल सुख या दुख अलग अलग भुगतना ही पड़ता है। अतः हमें अपने जीवन में पाप कर्मों को पूरी तरह त्याग करके केवल पुण्य कर्मों का संग्रह करना चाहिए, ताकि जीवन में दुखों को कम किया जा सके और सुखों की बढ़ोतरी हो सके। पाप और पुण्य के इन विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।